महाराष्ट्र के लोनावला में भूशी बांध के पास के वाटरफॉल पर 30 जून की दोपहर एक भयंकर हादसा हुआ, जिसमें पुणे के अंसारी परिवार के कई लोग इस वाटरफॉल में फंस गए और देखते ही देखते उसमें बहते चले गए। झरने में डूबने से दो नाबालिग समेत एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि अभी एक लापता है। कल देर शाम तक रेस्क्यू टीम सर्च ऑपरेशन चलाती रही। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि जब यह हादसा हुआ, उनके कई रिश्तेदार झरने के बाहर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। रिश्तेदारों के सामने ही अंसारी परिवार के कई सदस्य पानी में बह गए। दरअसल बारिश का पानी ज्यादा होने की वजह से झरने में अचानक पानी बढ़ गया और यह भयंकर हादसा हो गया। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुणे पुलिस ने बताया है कि पुणे के हटपसर क्षेत्र के सैयद नगर के रहने वाले एक ही परिवार के 16-17 लोग पिकनिक मनाने लोनावाला पहुंचे थे। जिस परिवार के साथ यह हादसा हुआ, उनके एक परिजन ने बताया कि कुछ रिश्तेदार शादी में शामिल होने के लिए मुंबई आए थे और सबने पिकनिक पर जाने का प्लान बनाया। एक निजी बस किराए पर लेकर 16-17 लोग झरने के पास पिकनिक मनाने पहुंचे। उन्हें क्या मालूम था कि यह पिकनिक उन पर इतनी भारी पड़ने वाली है। पिकनिक मनाने की खुशी में परिवार के कुछ सदस्य झरने के बीच में आ गए। इस दौरान तेज बारिश होने लगी और झरने में पानी का बहाव बढ़ता चला गया। देखते ही देखते झरने में इतना पानी भर गया कि झरने के बीच फंसे लोग बाहर नहीं निकल पाए। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बाहर खड़े उनके रिश्तेदार पेड़ से लकड़ी तोड़कर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक देर हो जाती है और झरने में फंसे लोग अपने रिश्तेदारों के सामने ही पानी में बहते चले जाते हैं। कुछ लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन 5 लोगों को बचाया नहीं जा सका। घटना की सूचना मिलते ही बचाव दल और नौसेना की गोताखोर घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी तुरंत घटना स्थल पर आए। 3 लोगों के शव रविवार को ही निकाल लिए गए, लेकिन 2 बच्चों में से एक के शव को 1 जुलाई को निकाला गया। लापता बच्चे की खोज के लिए देर शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू टीम के एक सदस्य ने बताया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना किस तरह हुई है। हमें 1:30 बजे फोन आया कि यहाँ पे 6-7 लोग बहके गए हैं, तो तुरंत हमारी टीम तैयार की और हम यहाँ पे निकले। यहाँ आने के बाद जब हमने जायजा लिया तो हमें ऐसे पता चला कि ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे 8-10 लोगों का एक फैमिली था जो अंदर बैठे हुए थे और उनको पानी का अंदाजा नहीं आया कि पानी तब अभी जो जितना पानी है उतना ही पानी रहेगा। अभी वो सबको लगेगा कि यहाँ पे हम जा सकते हैं, लेकिन लोनावला में क्या होता है, बारिश बहुत होती है। 10 मिनट भी अगर बारिश गिरता है तो बहुत पानी, क्योंकि आप पीछे देखेंगे तो पूरी जगह झरने हैं बड़े बड़े, तो 10 मिनट में पानी इतना बढ़ गया कि उनको पता ही नहीं चला। और ये जो जगह देखेंगे तो बाहर आने में थोड़ा कठिन है, तो इसकी वजह से वो अंदर ही फंस गए और वहां पे वो बह गए। आप लोगों ने किस तरह जो रिस्पॉन्ड किया पूरे रेस्क्यू में और कितनी डिफिकल्टीज थी यहाँ पर, उसके बारे में बताया? यहाँ पे डिफिकल्टीज तो बहुत होती है, फॉग होता है, बारिश होती है, और सबसे बड़ी डिफिकल्टी यहाँ पे पहुंचने में भी होती है, क्योंकि इतना बड़ा ट्रैफिक होता है कि ट्रैफिक जाम में आप जल्दी से पहुंच नहीं सकते। वो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी यहाँ पे अगर सोचा जाए तो है। फिर भी हम यहाँ पे पहुंच के पूरा जानकारी लेके हमने ऑपरेशन शुरू किया। ये जो झरना है वहाँ पे जो भुशड़िया में वहाँ के बैक वाटर पे मिलता है, और ऑब्वियसली जो डेड बॉडीज है वो वहाँ पे ड्रेन होगी रहेगी, ऐसा हमने ये करके वहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन शुरू करने के बाद कुछ ही देर में हमको 3 डेड बॉडीज रिकवर हुई, जिसमें एक महिला थी और 2 बच्चियां थी, लड़कियां। और ऐसा बताया जा रहा है कि मतलब उनके 5 लोग बहके गए थे, उनमें से अभी 2 बच्चे, एक लड़की और एक छोटा बच्चा, अभी उनकी डेड बॉडीज रिकवर नहीं हुई है क्योंकि वो नहीं मिले हैं। हम कल 7:30-8 बजे तक रात को ऑपरेशन चालू किया, मतलब कर रहे थे तब तक, और अभी हम शुरू करेंगे ऑपरेशन। वहीं इस घटना पर अब जिला कलेक्टर का भी बयान आया है। So the rescue operation started yesterday afternoon, and we were successful in recovering 3 bodies, but 2 bodies of missing children still we have not yet found.
It's continuously raining since because the yesterday night around 7:30 the rescue operation was stopped because of the safety of the divers. And early in the morning today again at 8 o'clock we have started it. This is again a very important issue here because this is inhabited spot. Nobody comes normally here. It is a private property but surrounded by forest and railway. So it's a prevented zone. And I think the families came here with the kids. And they were not sure about the water flow because it's a major waterfall there. And the water literally gushes to the dam. It is hardly 150 meters from the dam wall. So it is quite deep also. And suddenly heavy rains, I mean these are not consistent rains. And suddenly the rain intensity increases. And that increases the water level suddenly. And that's what happened. इस भयानक हादसे के बाद पुणे के जिला कलेक्टर ने पर्यटकों से अपील की है कि आप जिम्मेदार बनिए। All the tourists who are coming here, that you be responsible. Tourism, I mean, you must come and enjoy the nature, enjoy the rains, and that is the beauty of Lonavala. But don't go near these water streams, don't go near these waterfalls, because it's dangerous. And then self-restraint, self-discipline is important, because any institutional mechanism has its limitations. Yes. And we will try our best to prevent these mishap, but again there is a sincere appeal from all of us, from the police, from the forest, from revenue administration, the district administration, that you please be more responsible in visiting Zed. जिला कलेक्टर के बयान से साफ है कि पर्यटकों को हर हाल में अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। मानसून के मौसम में घूमने के दौरान सबसे ज्यादा एहतियात बरतने की सलाह दी जाती है। अगर आप भी लोनावला या किसी और खूबसूरत जगह पर जाना चाहते हैं, तो मौसम को देखकर ही यहाँ का प्लान बनाएं और प्रशासन की दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज तो बिल्कुल ना करें, वरना किसे पता कि कहां और किस तरह का हादसा हो जाए। नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।